अगर आपकी आयु 18 वर्ष से कम है तो कृपया आगे ना पढ़ें। अगर आप हिंसा को स्वीकार नहीं करते हैं तो ये आपके लिए नहीं है। अगर आप कमजोर दिल के हैं तो इसे बिल्कुल भी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र मारोटिया और स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों आज फिर केवल ये लोकेशन केवल आपकी डिमांड पे आपका भाई वापस विजिट करने पहुंचा है। दोस्तों इस लोकेशन पे जब मैं आया था बिल्कुल अकेला आया था, और आज मैं अकेला नहीं हूँ, आज मेरे साथ में मनोज भाई है इस लोकेशन पे। और एक बार बताऊँ दोस्तों, आपकी तो डांट मैंने खाई है कि जितेंद्र भाई आप रघुनाथपुरा की लोकेशन अकेले विजिट करने क्यों गए। और एक बार बता दूं दोस्तों, वही डांट मनोज से भी खाई है कि जब तूने मुझसे संपर्क करा जब मैं नहीं था तो तेरे को अकेले जाने की क्या जरूरत थी। दोस्तों अब वो गलती तो मेरे से हो गई, मगर केवल आज आपकी डिमांड पे आपका भाई उसी लोकेशन पर दोबारा पहुंचा है। दोस्तों कहानी डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं लिंक डाल दूंगा फर्स्ट वीडियो का, वो आप जाके देखना, उसमें पूरी कहानी आपको समझ में आ जाएगी। फिर भी मैं आपको एक छोटे से तरीके से कहानी बता देता हूँ यहाँ की। दोस्तों एक गरीब था, अकेला था, अनाथ था, उसकी ये प्रॉपर्टी थी, जमीन थी। एक दिन वो बाहर गया, कुछ दबंग यहाँ पे आके उसकी जमीन हड़प ली उन्होंने। बहुत रोया, बहुत गिड़गिड़ाया, बहुत रिक्वेस्ट करी, हाथ जोड़े, मगर जमीन खाली नहीं हुई। कुछ टाइम बाद में जमीन एक बड़ी कंपनी को बेच दी गई थी, एक शोरूम यहाँ पे खुला था। वो यहाँ पे आया मासूम, खूब गिड़गिड़ाया उनके सामने कि मेरी ज़मीन है ये, मगर किसी भी इंसान ने उसकी नहीं सुनी। एक दिन गुस्से में आके यहीं आके और इसी कंपनी के अंदर घुस के केरोसिन डाल के अपने आप को आग लगा ली। उसके बाद में बताया जाता है गाँव वालों के हिसाब से कि वो जो आत्मा है, जितने भी कर्मचारी थे, 5 ही दिन बाद में वो दिखने लग गई थी। जितने भी कर्मचारी थे चुन चुन के सबको मारने लगी, सबकी मृत्यु हो गई। उसके बाद में ये कंपनी यहाँ से बंद हो गई। ये एक 4-व्हीलर का वर्कशॉप था, कंपनी थी, नए व्हीकल भी बिकते थे यहाँ पे। भाई आवाज आई कुछ? दोस्तों बताया जाता है कि स्प्रिट केवल उस गरीब इंसान की नहीं दिखती है, यहाँ पे जो कर्मचारी थे उनकी भी स्प्रिट दिखती है। मगर उस दिन अकेला आया जब मैंने ज्यादा गौर नहीं करा, ज्यादा लोकेशन विजिट नहीं करी थी, हो सकता वो यहाँ पे दिखती हो। गांव वाले कहते यही है कि गांव वाले की वो स्प्रिट दिखती है, मगर मैंने नोट नहीं करी थी, केवल मेरे को उसी इंसान की स्प्रिट दिखी थी। तो दोस्तों केवल आपकी डिमांड पे वापस लोकेशन विजिट करना चाह रहा हूँ। जो चैनल पे है नए वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे। चलते भाई लोकेशन पे। यो भाई ध्यान से। दोस्तों इस लोकेशन को विजिट करने के बाद में मेरे को इतना गजब फीवर हो गया था, बुखार आ गई थी मुझे। मैंने दवाई के साथ साथ में मैंने मेरे गुरुजी के पास भी गया, वहाँ पे मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि मुझे ठीक करो आप। like and subscribe horror and channel. दवाई के साथ साथ में मेरे गुरुदेव की दुआ भी काम आई है और मैं बिल्कुल अभी ठीक हूँ, बिल्कुल मेरा फीवर भी नहीं है अभी। और मनोज की हिम्मत के कारण ही मैं इस लोकेशन को विजिट करने जा रहा हूँ, और केवल आपके प्यार के कारण। दोस्तों मैं मेरे को इस लोकेशन के बारे में जो ये खतरनाक हॉन्टेड जगह है, वहाँ से पास में एक लाइट दिख रही है, मैं पहले वीडियो में दिखा चुका हूँ। जो वहाँ पर रहते हैं उन्होंने मुझे बताया है कि यहाँ पे उसकी स्पीड दिखती है, बहुत खतरनाक जगह है। मैं आपको वो ढंग से आपको घर दिखाता हूँ एक बार, सबसे पहले कि मैंने उनसे बात करी थी। आओ भैया एक बार भाई वो घर दिखाना जहाँ से इस लोकेशन के बारे में जानकारी मिली है, झूम करके बता देना। दिख रही लाइट है, दिख रहा भाई? काफी दूर है ये तो, झूम कर लो भैया। ठीक है, अच्छा 3-4 किलोमीटर है। नहीं करीबन आधा किलोमीटर के आसपास ही तो है। अच्छा दूर नहीं है। आ जाओ
दोस्तों जिस कंपनी के बारे में मैंने पहले भी बताया वीडियो में और वापस बता रहा हूँ, वो सामने है, मैं आपको पास में लेके चलता हूँ। सामने वो ऑफिस हुआ करता था, का बोल रहा मेरे हाथ ठंडे पड़ गए इस लोकेशन पे आके वापस बॉडी कंपन करना है मेरी। सबसे पहले मैं जो भी स्प्लिट यहाँ पे है मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं सबसे पहले हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ कि मुझे अपना बेटा मानना। मैंने आपको कभी परेशान नहीं करा, ना मेरा कोई इरादा लोगों का मकसद है। जो भी आप यहाँ पे हो, मैंने दोबारा आने की गलती करी है, ये जगह आपकी है और आपकी रहेगी हमेशा। आ जाओ भाई, दोस्तों ये उसी कंपनी का ऑफिस था जो कि बंद है, बंद हो चुका है बिल्कुल, कोई भी ना आता है जाता है। और सबसे पहले भाई 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 कुछ चीज जा रही है, देख 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 बिल्कुल भाई, देख बिल्कुल बिल्कुल भाई, रुक 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 है भाई, इसमें है रिकॉर्ड हुआ बिल्कुल जाते हुए, यार कोई जा रहा है वो, देख भाई नग्गी आंखों से नहीं दिख रहा है, नग्गी आंखों से नहीं दिख रहा है, बिल्कुल ऐसे दिख रहा है बिल्कुल, पीछे से कुछ आवाज है, पीछे से भी आवाज है, इधर आना। ओ भाई सामने देख, सामने सामने भाई 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 वही चीज है भाई, मेरी है ना बॉडी कंपन करने लग गई जैसे ही वो चीज की। भाई क्या हुआ, पता नहीं क्या चीज थी यार, मेरा ऐसा लगा जैसे कोई पिन चुबाई हो किसी ने, चमकादड़ी भी उठ के गई थी भाई अभी, बहुत खतरनाक लोकेशन है दोस्तों ये, चीज कैमरे में रिकॉर्ड हो चुकी है, मुझे बहुत घबराहट हो रही है क्योंकि यहाँ आते ही मेरी बॉडी पूरी ठंडी पड़ चुकी है, यहाँ पे तो कंपन हो रही है बॉडी पूरी। भाई आओ, भाई वही खरीदी थी ना वो चीज, हाँ उसके अलावा पीछे मुझे लगता है वो कर्मचारी थे कोई, उसकी आत्मा दिखी है अब नहीं लग रहा भाई। और भाई ये कि नहीं दो तीन चीजें, क्या चीज, यानी क्या जो एक्टिविटी थी ना दो तीन तरह से हो रही थी, है ना। हाँ भाई पहले इधर करो, जगह विजिट करो पहले, मुझे नहीं लगता यहाँ एक है अपना, बंद कर रखा है आपको ऐसे पता रखा है। अजीब सा फील हो रहा है, तेरी सबल अच्छा फील नहीं हो रहा मुझे, गंदा फील हो रहा है। भाई मुझे एक बार और बोल लेते यार,
क्योंकि बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है तेरी कसम। जिसको जो बोलना है वो बोल सकता है, ना तो मुझे घबराहट हो रही है यहाँ पे। देखो मुझे आपके होने का एहसास हो चुका है और आप मुझे दिख चुके हो। मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे। ये घर और ये जो भी चीज बनी हुई है यहाँ पे आपकी है, ये किसी के दूसरे का हक नहीं है यहाँ पे। कुत्ते भोंक रहे थे पीछे। देखो मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये जगह आपकी है और आपकी रहेगी। हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे। मैंने दोबारा आने की गलती जरूर करी है, मगर मेरा इरादा गलत नहीं है। मेरा मकसद केवल ये दिखाना है कि आपके साथ में यहाँ पे बहुत गलत हुआ है। प्लीज मुझे माफ करें। क्या हो भी? ऐसे लगा पीछे किसी ने पकड़ा हो। देखा नहीं तूने वीडियो में? भाई वो चीज यहीं पे है भाई। ठंड का एहसास बढ़ता जा रहा है, बहुत ज्यादा ठंड हो रही है यहाँ पे भाई। कैमरा ऊपर करना एक बार, तो चीज है तो नहीं, इधर कैमरा ऊपर कर। नहीं है भाई, नहीं है अभी तक कोई भी चीज रिकॉर्ड नहीं हुई है भाई। अंदर चल, अंदर चल भाई, अंदर चल, आजा आजा भाई। वो चीज अंदर दिखी थी मुझे पहले। रोज भाई इधर आ। ध्यान से है ना। जानवर है छोटा, ये तो जानवर है। अरे तो ये जानवर है भाई, पहले इस जगह बहुत खतरनाक सेंसिटिव जगह है, पूरे पीछे भी कैमरा घुमा के देखते रहना। इधर देखते हैं एक बार, वो चीज यहाँ पे दिखी थी मुझे लास्ट टाइम। यहाँ पे इस जगह दिखी थी भाई, इस जगह यहाँ, इस जगह भाई। इधर भी कैप्चर कर एक बार। भाई इधर से आवाज है? तेरी कसम इधर कोई गुर्राने की आवाज है मुझे, बहुत भयंकर। एक मिनट भाई, कसम देख आवाज सुन, गुर्रा है कोई। आजा मेरे भाई वापस आ। भाई उधर से आवाज आई मुझे अभी, यहां से बाढ़ से, जैसे कोई चीज घुरा रही हो। आजा भाई आजा, ओए उधर से आवाज, तेरी कसम उधर से आवाज आई है मुझे। इसमें कोई चीज बैठी है तेरी कसम।
वो कैमरा आगे कर क्योंकि वो चीजें गायब भी होती है। इधर आगे कर, नहीं जानवर नहीं है भाई, उसी चीज की आवाज आ रही है। Please like and subscribe to our in channel. Wait, wait. Jaldi aa niche aa ja. Oh man. Samne dekh. Samne dekh. Roshni tez kar, roshni tez kar. फटाफट वो देख, वो देख, वो देख, वो क्या साया से दिख रहे दो तीन, देख वो सामने जा रहे दीवार के पास में, देख देख दो तीन है भाई, दो तीन है, दो तीन है भाई, देखो तीन तीन भाई, भाई साफ दिख रहा है। तेरी कसम दिल बेटा जा रहा है, तू एक काम कर, यहाँ से निकल आ जा।